ये जान तो बहुत अलग लो हो, छोड़ी के कहाँ चल गई लो, कहाँ से आईनी कहाँ रे जमाइलो, ये जान तो बदल गई लो हो, छोड़ी के कहाँ चल गई लो। पहुंच चुके हैं कपल गार्डन जिसका नाम है एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क और कपल गार्डन दोनों ही नाम से फेमस जगह है, ये बहुत ही शानदार जगह है। तो ये देखिए एनर्जी पार्क लिखा हुआ है, एनर्जी पार्क रायपुर, देख सकते हैं आप क्या ही खूबसूरत नजारा है। इतना मस्त जगह है कि यहाँ अगर आप DSLR लेके आओ तो तबाही पिकाएगी, लेकिन यहाँ DSLR अलाउ नहीं है, फिर भी आप बैग के अंदर डाल के 24 रुपए ला सकते हैं और मस्त धमाकेदार फोटो खींच सकते हैं। और यहाँ अभी तो टाइम हो रही है 4:30, इसलिए अभी भीड़ भड़ा का नहीं है। जैसे जैसे इवनिंग होगा यहाँ कपलों की भीड़ बढ़ती जाती है। अभी हाल फिलहाल सब फैमिली वाले ही आए हुए हैं, भीड़ की कमी है, धूप की ज्यादा है। एनर्जी पार्क में कुछ मोमेंटम भी लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ, अब आपको हम दिखाते हैं एनर्जी पार्क में जो यहाँ के इंजीनियरों के द्वारा प्रस्तुति कुछ अलग ही हट के बनाया गया है, जो अलग अलग 5 घरों में बनाया गया है। वो 5 घरों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से उन लोगों ने अपना अपना यंत्र बनाया है। ये सभी छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों की जो कला है उसके द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा। आपको चलिए हम दिखाते हैं वो इंजीनियर द्वारा जो बनाया गया है कला। ये जो रूम दिख रहा है इसके अंदर है, यहाँ का जो कला है वो काफी तार है। ये देखिए ये फर्स्ट जो है ये सोलार फोटोवोल्टिक ये है, देख सकते हैं यहाँ चित्र। और सेकंड देखते हैं, हम सेकंड आपको दिखा रहे हैं, ये है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये सब का प्रोसेस अलग ही अलग है, बायोमेट्रिक दिख रहा है, टर्बाइन वगैरह है ना, ये सभी एनर्जी पार्क मतलब ऊर्जा उत्पादन करने का एक स्रोत है। और ये है गेथर्मल पावर प्लांट, इसके थ्रू भी हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। पवन चक्की वगैरह है ना, ये सब लगा हुआ है, इसके थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से ऊर्जा पार्क मतलब ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ये सभी इन्वायरमेंट जितने भी हैं सब इन्वायरमेंट के है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी कुछ है, ये है वाटर व्हील टर्बाइन, ये पानी चक्की कहा जाता है, इसमें पानी घूमती है और टर्बाइन से जिससे फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके थ्रू हम अपना बिजली उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ लगी हुई है मोटर वगैरह है ना, खाली है। बाकी ये पूरा जो एरिया है इको फ्रेंडली है। और ये कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाया गया है ना। और भी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों।